हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो सिलेबस, पिछले वीडियो के बाद जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या है, किस टाइप का एग्जाम क्राइटेरिया रहता है, तो इस वीडियो में लेके आया हूँ एम्स, जो भी अपने चार एम्स के हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली के एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है मैंने बताया, 10th प्लस से एलिजिबल है, साथ में आप हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे हो, सर्विसेज हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वार्ड बॉय की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके साथ आपका जो 7 to 10 days का फर्स्ट एड का हॉस्पिटल सर्विसेज का कोर्स है सेंट जॉन एम्बुलेंस वाला प्रोवाइड किया जाता है वो जरूर, अभी भी डेट गई नहीं है, आप कंप्लीट कर सकते हो, एक्सपीरियंस आपके पास है ही तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने नर्सिंग करी हुई है, जीएनएम करी हुई है और साथ में आप भी एलिजिबल हो, लेकिन आपको मिनिमम क्या चाहिए, वो सर्टिफिकेट तो लेना ही है और एक एग्जाम क्लियर करना है। सो आई होप अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सिलेबस क्या है उसके बारे में देखेंगे और एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पे सीटें इंक्रीज हो गई हैं, कल अपन ने 172 देखी थी, अब ये 178 देखी थी, अब ये 282 सीट हो गई है, 106 सीटें एम्स भुवनेश्वर की और ऐड हो गई है, किसकी, एम्स भुवनेश्वर की और ऐड हो गई है, कितनी, 106। सो सबसे पहले क्या था आपका, एम्स जोधपुर था, इसके बाद कौन सा था, एम्स नागपुर जुड़ गया, फिर एम्स रायपुर जुड़ गया और अभी एम्स भुवनेश्वर, और ये दूर नहीं है, 500 पोस्टें और आ सकती है दूसरे एम्सों की, बहुत जल्दी वो भी रिक्रूटमेंट रिलीज कर देंगे। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में अपने आगे स्लाइड में देखेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है, अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी। अब असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, अब बताएं मैट्रिकुलेशन क्या है, मतलब 10th पास मिनिमम होना चाहिए, अगर 10th पास हो सकता है किसी हॉस्पिटल में अटेंडेंट वार्ड बॉय की तरह काम कर रहे हो आप एलिजिबल हो, बशर्ते आपको सेंट जॉन एम्बुलेंस का जो कोर्स होता है ऑलमोस्ट 7 to 10 days का वो आपको कंप्लीट करना है, या जो भी हो सेंट जॉन एम्बुलेंस से वहां से प्राप्त कर ले जो भी उनका कोर्स है वो जरूर कंप्लीट करें। एक्सपीरियंस इस कोर्स लेने के बाद भी आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एम्स चाहते हैं हमें क्वालिफाइड हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑर्डरली मिले तो पेशेंट की क्वालिटी केयर करें। अब सब्जेक्ट अभी जो आपका 100 अभी जो एम्स नागपुर ने अपना सिलेबस दिया है जिसके अनुसार आपके क्या है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, बहुत इजी पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें क्या होगा आपके 30 मार्क्स का तो क्या आ जाएगा सर, सीधा सीधा नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज, किससे रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग का क्या आएगा बेसिक नर्सिंग ऑर्डरली, जो चीज देखेंगे अभी आगे स्लाइड में क्या क्या चीज पूछ सकता है, तो आप बताओगे सर सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज क्या पूछेगा, तो आप बताओगे सर क्वेश्चन ऑफ द लेवल क्राइटेरिया सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कवरिंग द ब्रॉडली द फॉलोइंग टॉपिक, ये क्या आपके डिप्लोमा से संबंधित जो भी आपने 10 दिन का या 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है जो भी सेंट जॉन्स एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है उसके अनुसार आपके क्वेश्चन आने वाले, वो क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, मरीज की जो बेसिक नीड होती है जो उसकी डेली रूटीन होती है उसमें हेल्प करना, जिसमें होती है आपकी कंफर्ट, मरीज को कंफर्ट प्रोवाइड करना, रेस्ट स्लीप और एक्सरसाइज, बॉडी मैकेनिक्स, मूविंग और लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग पोजिशन एंड पोस्चर, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हो जो रूटीनली आप हॉस्पिटल में कर रहे हो वही चीजें हैं, शारीरिक आवश्यकता है, आराम, नींद और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, शरीर यांत्रिकी, चलना और उठना, और पेशेंट को जब आप शिफ्ट करोगे वन बेड से दूसरे बेड से स्थानांतरित करोगे तब क्या क्या चीजें जरूरी, आप प्रैक्टिकली तो कर रहे हो लेकिन क्या चीजें जरूरी है वो चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, बहुत सिंपल, मेंटेनेंस ऑफ द बेड्स एंड बेड मेकिंग, हर रोज आप बेड मेकिंग कर रहे हो बेड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, बेडशीट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बेडशीट किस टाइप से करनी है, बेड मेकिंग किस टाइप से करनी है वो क्वेश्चन आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ द बेड मेकिंग यही हो गया, बेड मेकिंग तो रोज करते लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो करने चाहिए वो क्वेश्चन आएगा, और आजकल सुरक्षा उपकरण मतलब पेशेंट की साइड रेल होती है वो कब अप करनी है, कब डाउन करनी है, कैसे करनी है ये क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या आ सकता है रिस्ट्रेंट एंड स्प्लिन, प्रतिबंध और विभाजन, पेशेंट को रिस्ट्रेंट करते तो कितने टाइप के रिस्ट्रेंट होते हैं, कौन से कलर का रिस्ट्रेंट होता है और कैसा उसका पिक्चर होता है, क्लियर है, और स्प्लिन लगे हुए तो स्प्लिन को कैसे सेट करना, ये सब चीजें पूछी जा सकती है, ये सब आपको पता ही है,
हाइजीन लीड, पेशेंट की स्वच्छता मेंटेन कैसे करनी है, उस बेड बाथ के बारे में, स्पंज बाथ के बारे में पूछा जा सकता है, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, एक तो पेशेंट का पर्सनल हाइजीन और साथ में सराउंडिंग एनवायरमेंट के हाइजीन हो गया, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, परिचारकों की भूमिका व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, यही होगी अटेंडेंट रोल इन द मेंटेनिंग द पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। ये सब चीजें आपको पता है जो डेली रूटीन करते हो, बस प्रैक्टिकल चीजें पूछी जा सकती है। एलिमिनेशन नीड, जो पेशेंट का एलिमिनेशन होता है बोवल और ब्लैडर, मतलब लेटरिंग करना और यूरिन पास करना, उससे रिलेटेड कैसे आप केयर प्रोवाइड करोगे। प्रॉब्लम अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, ड्रॉप ड्रॉप पड़ रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करोगे। एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन ऑफरिंग द बेड पैन एंड यूरिनल, आप देते ही हो बेड पैन और यूरिनल, वो कैसे प्रोवाइड करना है, उसको कैसे रख रखाव करना है, कैसे उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। फर्स्ट एड, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है, एम्स क्या है, फर्स्ट एड के इंपॉर्टेंट क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के प्रिंसिपल नियम क्या है और सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट एड इन द एमरजेंसी, एमरजेंसी में फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करोगे, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोसीजर एंड टेक्निक्स इन द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या क्या टेक्निक रहेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड का किट कैसे तैयार करना, ड्रेसिंग कौन कौन सी होती है, बैंडेजिंग, ड्रेसिंग पट्टियां कैसे बांधना, ये सब पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्टिंग, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, पेशेंट को सीपीआर देना और क्या है, इंजर्ड एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बेसिक से क्वेश्चन है, आपको जरूर ट्रेनिंग दी गई होगी हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। अब ये था पार्ट वन, पेपर का पार्ट वन जो बेसिक आपको आता है वो। अब पेपर का पार्ट टू और क्वेश्चन, क्योंकि टेंथ पास के बेसिक पे है, तो पार्ट टू ये होगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन जो आपने बैंकिंग सेक्टर से टीचर के लिए प्रिपेयर करते हुए जो क्वेश्चन थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल अवेयरनेस, बेसिक जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामान्य जागरूकता से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल आ सकते हैं, आपके मात्रात्मक योग्यता, मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो टोटल इसी तरीके से आपका सिलेबस होगा कितना, 100 मार्क्स का। सो दिस सिलेबस ओरिएंटेड से किरोशा एकेडमी आपको स्पेसिफिक कोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हो, ये नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रॉल करे हुए पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और डिटेल में जो है किरोशा एकेडमी की टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग सेशन, बहुत सारी वैकेंसी और भी आने वाली है। और अगर आपको लग रहा है 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, काम ही कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये वैकेंसियां आती रहेगी। जब हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की हजारों वैकेंसियां आ रही है, तो नर्सिंग ऑर्डरली की भी वैकेंसी तो आनी चाहिए ना, कम से कम उससे 4 गुना तो कम, 1/4 तो आनी चाहिए। अगर 1000 नर्सिंग ऑफिसर की आ रही है, तो नर्सिंग ऑर्डरली की मिनिमम 250 से 300-400 पोस्ट एक हॉस्पिटल में बनती है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, और आपका ये अगर नर्सिंग ऑफिसर Grade 2 जॉब है, तो नर्सिंग ऑर्डरली भी Grade 3 जॉब है, और सैलरी बहुत बढ़िया है, परमानेंट जॉब है। आप जरूर कोशिश करें, जरूर मेहनत करें, क्यों 10-12 हज़ार में जॉब करना, आप इलिजिबल हो तो आप आराम से उसको 40,000-35,000-40,000 तक कमाएं। मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो मैंने मेरी बेस्ट कोशिश की थी आपको जो बताने की, हो सकता है इसमें कुछ गलत हो, तो जो एम्स का जो PDF है वही फाइनल माना जाए। एज ग्रुप क्या है, तो एज ग्रुप के बारे में देखें अपन, तो मिनिमम बेसिक एज 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वाले ST/SC वाले 35 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 33 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप वाले 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे जो अभी एम्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, उन्होंने एम्स ने अपनी साइट पे डाला हुआ है 10 साल का रिलैक्सेशन, तो आप उसके बेस पे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग सेशन। अगर आपको रियली लगे कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक्सपर्टाइज इंडिविजुअलाइज प्रिपेयर कराने की जरूरत है, इस नंबर पे जरूर मैसेज करें। हमने हमारी किरोशा एकेडमी टीम में बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है जो आपके लिए सपोर्ट करेगा, और वो कोर्स इस टाइप का होगा कि आप अनलिमिटेड जब भी ड्यूटी पे भी, घर पे भी, घूमते हुए भी, ट्रेवलिंग में जब भी आपको पढ़ना है, अनलिमिटेड टाइम वो वीडियोस देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम मैसेज पढ़ सकते हो, और बहुत जल्दी बुकलेट भी हम वो कर देंगे, तो आप बुकलेट भी आप
देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।